चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट ई आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, पार्ट ए बी सी डी हमने डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट इसका ई है। बहुत लंबा खासा चैप्टर है, मैं नहीं चाहता था कि एक ही वीडियो 1.5 से 2 घंटे का अगर एक वीडियो बनता उसमें सारा चैप्टर कवर होता तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, आप 1 से 2 घंटे में बोर हो जाते। इसलिए मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से विद रेलेवेंट एग्जांपल समझा के हर पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाया है। तो चैप्टर 5 का पार्ट ई में आज हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिस्कस करने वाले हैं पूरा अच्छी तरह। डी में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ा था। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में बहुत ही जल्द आपको फुल सिलेबस के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं, तो वहां पर भी नजर डाले बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब टॉप लेवल सुपीरियर्स वगैरह का जब वर्कलोड काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक का नाम है डेलीगेशन। डेलीगेशन के थ्रू जितना भी अनइम्पॉर्टेंट टास्क होता है, अनइम्पॉर्टेंट वर्क होता है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई वर्क नहीं होता जो टॉप लेवल के लिए, वो वर्क डेलीगेट कर दिया जाता है। डेलीगेट मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है अपने लोअर लेवल्स के वर्कर्स के लिए या फिर सबॉर्डिनेट्स के लिए, राइट। तो डेलीगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर डाउनवर्ड ट्रांसफर होती है अथॉरिटी सुपीरियर से सबॉर्डिनेट। सुपीरियर अपनी जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क है, वर्कलोड है, वो शेयर करता है सबॉर्डिनेट के साथ। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, जरूरी क्यों है डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। देखिए, By delegating the authorities and responsibility, managers can get the work done effectively and efficiently from the subordinate. जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है सुपीरियर का तो वो हो सकता है इंपॉर्टेंट टास्क में अपना वर्क नहीं दे पा रहा हो, वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हो, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पा रहा हो, तो उस सिचुएशन में जब अपना वर्कलोड एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो फ्री हो जाता है और वो अफेक्टिवली परफॉर्म कर पाता है। एक सुपीरियर जब अफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा तभी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिवली मैनेज हो पाएगी या अफेक्टिवली रन हो पाएगी, राइट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, जी हाँ, एम्प्लॉयज को डेवलप्ड बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए, ट्रेंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुपीरियर अपना काम शेयर करें सबॉर्डिनेट के साथ, ताकि सबॉर्डिनेट्स को भी नए नए चीज़ें सीखने का मौका मिले, राइट, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने टैलेंट को दिखाने का, राइट। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हाँ, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उनको भी टास्क दिया जाए, उनको भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डेलीगेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। डेलीगेशन मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट्स एज दे डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट विच इज शोन टू देम बाय देयर सुपीरियर। जब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में ट्रस्ट होगा तभी तो चीज़ें डेलीगेट हो पाएगी। अगर एक सुपीरियर में बहुत ज़्यादा ईगो रहेगा तो वो चीज़ें डेलीगेट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक सुपीरियर चीज़ें डेलीगेट करता है, काम को बांटता है, वर्क को बांटता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटता है सबॉर्डिनेट के साथ, तो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट मोटिवेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सुपीरियर के बारे में भी वो अच्छा सोचता है, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होता है। फोर्थ है, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी पॉसिबल हो पाती है डेलीगेशन से। कैसे? डेलीगेशन लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। डेलीगेशन से क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, वर्क डिवाइड होके छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस में सुपीरियर शेयर कर रहा है सबॉर्डिनेट के साथ, प्लस स्पेशलाइजेशन भी, जिस काम में जो सबॉर्डिनेट अच्छा है उसको वो काम मिल रहा है, तो उससे हो क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। जब स्पेशलाइजेशन होगी, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, काम जल्दी टाइम पे कंप्लीट होगा, टाइमली सारे टास्क कंप्लीट होंगे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा जल्दी, राइट। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। हिरार्की क्या है, लेवल्स हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीज़ें होंगी जब डेलीगेशन होगा, राइट। डेलीगेशन एस्टेब्लिशेज अ
सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर्स, राइट। एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड फॉलो होगी अगर डेलीगेशन होगा, मतलब सुपीरियर कैसे अपने लोअर सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करेगा, वो सबॉर्डिनेट नीचे वालों के साथ शेयर करेगा। जैसे लेवल्स हैं, टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताता है, तो वहीं पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए भी डेलीगेशन जरूरी है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, सेम वही पॉइंट है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्लैरिटी इन ड्यूटीज, डुप्लीकेशन नहीं होगा, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्लैरिटी आएगी ड्यूटीज में, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में भी इफेक्टिवनेस आएगी अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन डेलीगेशन की वजह से पॉसिबल हो पाएगा, राइट। तो बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए डेलीगेशन जरूरी है। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाती है डेलीगेशन से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखा जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट है, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स का वर्कलोड काफी हद तक कम हो जाएगा। यही हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड अगर कम हो जाता है तो वो मेन टास्क पे फोकस कर पाता है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, बिल्कुल, अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो दैट सिंपली मीन्स डेलीगेशन मौजूद है, डेलीगेशन मौजूद है सिंपली मीन्स दोनों के रिलेशनशिप बेटर है, इम्प्रूविंग है, प्लस दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट है, मोटिवेशन है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए है, दोनों के प्रति, तो यहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप को ये शो करता है। पूरा बच्चों क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन का ही, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, या इसको एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन बोलते हैं। देखिए बच्चा, तीन हमारे एलिमेंट्स आते हैं इसके, या लेवल्स आते हैं डेलीगेशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, चलिए बारीकी से समझते हैं। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, सिंपल सा, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है, होमवर्क दिया है, तो दैट सिंपली मीन्स मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने आपको एक काम सौंपा है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं करने के लिए। यस और नो? फीचर्स देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है। Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. Responsibility एक तरह का obligation या कर्तव्य होता है एक subordinate का, कि superior ने जो भी उसको responsibility दी है उसको बखूबी तरीके से उसको निभाना पड़ता है या सही तरीके से उसको perform करना पड़ता है। सेकेंड है, इट arises from superior subordinate relationship। बिल्कुल ठीक है, अगर दोनों के बीच में अच्छा relationship है तभी superior responsibility को बांट पाएगा या share कर पाएगा subordinate के साथ। थर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है बिकॉज सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, हमेशा एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबॉर्डिनेट को ही लेनी पड़ती है सुपीरियर से, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी अगर बात करें तो सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि एक सुपीरियर ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए अपवर्ड फ्लो होती है सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, क्योंकि सबॉर्डिनेट को मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशंस के कर्तव्य लेना पड़ेगा वो काम को करने का, राइट। देयरफोर क्या कह रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। अथॉरिटी की बात करें, देखिए अथॉरिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने की जब पावर किसी में आ जाती है तो हम उसको अथॉरिटी बोलते हैं, राइट। अगर मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है प्लस ये भी बोला है कि आपको इस क्वेश्चंस या इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपने बेसिस पर अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने फ्रेंड से पूछकर ये क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, इसके साथ साथ आपको अथॉरिटी दी है, पावर टू टेक डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। पूरा बच्चों क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों तीनों चीजें बहुत जरूरी है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी नहीं है, ज्यादा अथॉरिटी भी अच्छी नहीं है, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी नहीं है, राइट। तीनों का प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, राइट। फीचर्स की बात करें अथॉरिटी की, अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप शो करता है, एक सुपीरियर अथॉरिटी देता है सबॉर्डिनेट को किसी भी काम को करने की, राइट। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। बिल्कुल ठीक है, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, दैट मीन्स सुपीरियर अथॉरिटी देता है सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को नहीं देता है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड थी, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है, राइट।
अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादा अथॉरिटी ठीक नहीं है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी ठीक नहीं है, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, राइट। थर्ड आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर अ नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। दैट सिंपली मीन्स अगर मैंने आपको कोई काम दिया था तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको 5 क्वेश्चन करने, प्लस मैंने आपको एक अथॉरिटी दी थी कि मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिस पर जो भी आपको आंसर ठीक लगता है वो आप आंसर कर सकते हैं। अब अगर आप वो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस नहीं करके लाते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी लेना। हो रहा है बच्चों, क्लियर? चलिए फीचर्स की बात करें। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, मतलब जवाब देने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर 5 क्वेश्चंस नहीं करके लाए थे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उस काम को नहीं करने के, राइट। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ट, आप किसी और को नहीं सौंप सकते अपना काम, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिक वो काम दिया था, उससे रिलेटेड मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी दी थी, इसलिए आप अकाउंटेबल भी हैं उस काम को नहीं करने के, राइट। आप पास नहीं कर सकते अपनी अकाउंटेबिलिटी को। नेक्स्ट है इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल फॉर हिज सुपीरियर। यहाँ पर अपवर्ड फ्लो होता है, अगेन एक सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर के दिए हुए काम को करने के लिए। हो रहा है बच्चों, क्लियर? तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये जो हमारा टॉपिक था उनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना मत भूलिएगा। पूरे नोट्स सिलेबस के बहुत ही जल्द मैं अभी अवेलेबल कराने वाला हूँ आपके लिए, बहुत जल्दी वर्क चल रहा है उसमें। जैसे ही अवेलेबल होते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक ऑन करना मत भूलिएगा। कोई से भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, हमने डेलीगेशन के मीनिंग देखी, इंपॉर्टेंस देखी, प्लस उसके एलिमेंट्स देखे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव, फीडबैक या अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।